सो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल में कैसे अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को ऐड करेंगे, कैसे इंडेक्स करवाना है, और यहाँ पे अगर आप मोनेटाइज के लिए अप्लाई करने वाले हो अपने ब्लॉग या फिर वेबसाइट को, तो कैसे प्रॉपर सेटअप करना है अपने वेबसाइट को ताकि वो पब्लिकली जो है अवेलेबल हो सके गूगल सर्च कंसोल में। गूगल सर्च बार में आपको वेबसाइट वो शो करे, अगर आप कोई अपना जो है आर्टिकल सर्च करते हो तो सर्च बार में आना चाहिए। अगर आपका वो नहीं आ रहा है, आपकी वेबसाइट लगभग एक हफ्ते से एक महीने पुरानी हो गई फिर भी वो सर्च में नहीं आ रही, तो आपको ये जो है प्रोसेस फॉलो करनी पड़ सकती है, जो कि आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, कंप्लीट प्रोसेस देखकर ही वीडियो को एंड करिएगा फिर, क्योंकि हर स्टेप बहुत ही जरूरी है। आज मैं आपको गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना बताऊंगा, इंडेक्सिंग करना बताऊंगा, और मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने की सही सेटिंग्स क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में जो है कंबाइंड, इन सारे पहलुओं को जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेके चलते हैं आपको पीसी के ऊपर, वहीं पे सब कुछ आपको डिटेल में दिखाते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने ब्लॉग के सेटिंग में आ जाना है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सेम अकाउंट से जो है गूगल का ब्लॉग और गूगल कंसोल का अकाउंट जो है ओपन करोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है सर्च कर लेना है, यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल यहाँ पे एंटर करोगे, ठीक है। देन यहाँ पे फर्स्ट साइट आपको मिल जाएगी, यहाँ पे एंटर करना है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने वही पेज होगा। इसके बाद देखोगे आपको जो है काफ़ी चेंज ये हो चुका है, पहले के अपडेट में ये सब कुछ आपको अलग दिखेगा, लेकिन अब जो है काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ओवरव्यू में आपको सब कुछ दिख जाएगा, परफॉर्मेंस भी दिखेगा, इंडेक्स भी दिखेगा, एक्सपीरियंस भी दिखेगा, और इन्हेंसमेंट भी दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी अब मैं आपको बताऊँ कि जो लिस्टिंग होती है, इंडेक्सिंग जो देखो यहाँ पे आप दिखा रहे हो पेज इंडेक्सिंग जो है, यहाँ पे देखो मेरा जो 14 इंडेक्स पेज हो गया है, लेकिन 42 नॉट इंडेक्स पेज हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम फुल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने सेटिंग पे ब्लॉग के पेज में जाके वो चीज़ मैंने यहाँ पे ऑन ही नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओ, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो है स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये सब आपको बाद में करना है। मैंने यहाँ पे कुछ पहले से स्टार्टेड कर दिया है, बट आपको नहीं करना है अभी, ठीक है। अभी जस्ट आपको सेटिंग अप्लाई करनी है और सेटिंग पे जाना है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ आपको अपना जो है ब्लॉग का डोमेन एंटर करना है। अगर आप ब्लॉग डोमेन एंटर कर दोगे तो आपको अलग से यूआरएल पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, आपको डोमेन से वेरीफाई करना है, ठीक है। आप इजीली देखो डोमेन नेम प्रोवाइडर सक्सेसफुली वेरीफाइड, ये करने के बाद आपके जितने भी सारे बाकी के ऑप्शन आते हैं कि आप टैग लगाओ जाके वहाँ पे हेड में पेस्ट करो, एचटीएमएल फॉर्मेट में जाके, ये सब कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको जस्ट वन क्लिक में ये वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डोमेन से वेरीफाई करो, काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक, जो मैंने किया है एक्चुअली में। इसके बाद ये हमारा ऐसे वेरीफाई हो गया है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे चले आना है साइट मैप। तो साइट मैप पे आप आ गए हो, देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे मैंने कैसे किया है, आपको कोई HTML फॉर्मेट यहाँ पे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपल अपने ब्लॉग का URL टाइप करो। यहाँ पे देखो मैंने टाइप किया है, ये ब्लॉग का URL टाइप किया है। देन इसके बाद स्लैश करके, ठीक है, स्लैश करके इसके बाद जो है यहाँ पे आपको साइट मैप डॉट XML टाइप करके सबमिट कर देना है और आपका साइट मैप यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है, ये आपका दो चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इंडेक्स करने के लिए ब्लॉगर में आना है, ठीक है। ब्लॉगर में आने के बाद यहाँ पे सेटिंग पे आपको जाना है। सबसे पहले सेटिंग में देखो, बेसिक सेटिंग आपको क्या क्या करनी है। सबसे पहले आपको ये प्रोवाइसर जो फीचर दिख रहा है इसको विजिबल टू सर्च इंजन पे क्लिक करना है, मतलब कि ये ऑफ होगा तो इसको ऑन कर देना है। देन इसके बाद यहाँ पे अगर आपने कस्टम डोमेन ले रखा है तो इसको भी आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है, ठीक है। ये सारे सेटिंग में आप देख सकते हो, सब कुछ यहाँ पे तीनों ऑन होना चाहिए। अगर आपके पास कस्टम डोमेन नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाओगे, यहाँ पे देख रहे हो कलर्स एंड इंडेक्सिंग दिख रहा है, ठीक, ये हमारा मेन होता है फीचर, ठीक है। एनेबल कस्टम रोबोट टेक्स्ट को, इसे आप, ये आप में ऑफ होगा, ठीक है, तो इसको आपको ऑन करना है। तो ये देखो टेक्स्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको यहाँ से जो है इतना आपको चेंज करना है यहाँ से, ठीक है, ये आपको यहाँ से इतना चेंज करना है, और यहाँ पे आपको अपने ब्लॉग का URL पेस्ट कर देना है, बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा, ठीक है। इसको यहाँ पे कॉपी करने के बाद ये यहाँ पे आपको एनेबल कर देना, करने के बाद आपको यहाँ पे देखो ये दिख रहा हो इनेबल कस्टम रोबोट हेडर टैग्स, तो इसे भी इनेबल कर देना है। देन इसके बाद होम पेज टैग को यहाँ पे ऑल पे करके नो DP करके यहाँ पे सेव कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे आपका आर्चिव में दिखा रहा है आर्चिव एंड सर्च पेज टैग, तो इसे आप चाहो तो ऑन कर सकते हो, लेकिन मैंने इसे ऑफ ही रखा क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो मैंने इसे यहाँ पे कैंसिल कर देना है, आपको ऐसे ही कर लेना है। फिर यहाँ पे आप देखो पोस्ट एंड पेज टैग, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पे जो है आपको ऑल पे सेलेक्ट करके यहाँ पे नो DP पे क्लिक करके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना, ठीक, इतना सब कुछ आपको कर लेना है। और इतना करने के बाद यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये आपका यहाँ से काम फिनिश हो गया है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे आप आओगे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो,
वो वही चीज है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ब्लॉक्ड बाई रोबोट टेक्स्ट, ठीक है, दिस पेज आर नॉट इंडेक्स आर सेवरल ऑन गूगल। तो ये चीज यहीं से थी क्योंकि आपने अभी तक ये चीज ऑन नहीं किया था, आपने ये चीज अभी तक इनेबल कस्टम रोबोट टेक्स्ट को ऑन नहीं किया था, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको करके दिखा, इसके बाद आप यहाँ पे पेज इंडेक्सिंग पे आओगे, ठीक है, ओवरव्यू पे हम क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पे ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। 42 यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है, व्यू फुल रिपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे। अगर अभी तक का आपका जो है अगर कोई यहाँ पे इंडेक्स नहीं हो पाया है तो यहाँ पे देखो, ठीक है, आप वहाँ से सब सारी सेटिंग्स आपने ऑन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग सिंपलर रिपोर्ट फोकस मोर इजीली ऑन इंपॉर्टेंट इश्यू, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, नॉट स्टार्ट, ठीक, मैंने कुछ पे स्टार्ट कर दिया, कुछ पे नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है स्टार्टअप वाले पे, और इसकी डिटेल यहाँ पे देखिए वैलिडेशन स्टार्टेड, ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दिया था, आप नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में चलिए कोई ऐसी सेल का जिसपे मैंने ना किया हो, तो यहाँ पे देखिए वैलिडेट फिक्स, अभी तक आपने इसको ऑन नहीं किया था बट आपने इसे ऑन कर दिया है और यहाँ पे सक्सेसफुली इंडेक्स कर लिया अपनी वेबसाइट को, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद ये वैलिडेट फिक्स पे क्लिक करेंगे, ये प्रोसेस चल जाएगी और आपको मेल पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको मेल मिल जाएगा कि आपका जितने भी यहाँ पे जो है पेजेस जो है वो इंडेक्स हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितने भी नहीं किए होंगे वो सारे आप कर लेना है, मैंने कुछ किए थे, मैंने कुछ नहीं किए थे। ये देखो 42 मेरे इसीलिए नहीं हुए थे क्योंकि मैंने इसे इनेबल नहीं किया था। तो ये मुझे वीडियो बना के आपको बताना था कैसे आपको इंडेक्सिंग करना है अपने गूगल सर्च कंसोल में, तो इसी तरीके से आप इजीली कर पाओगे, बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है, कोई ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस नहीं होती फॉलो करना, ठीक है। देखो पहले जो इसका यूजर इंटरफेस था सर्च कंसोल का वो काफ़ी चेंज हो चुका है, पहले यहाँ पे देखो आपको ये 3 टैब अलग से मिलते थे, यहाँ पे ओवरव्यू और कवरेज वगैरह दिखता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है, अब आपका ओवरव्यू में ही सब कुछ आपको दिख जाता है, परफॉर्मेंस भी दिखेगा, इंडेक्स भी दिखेगा, एक्सपीरियंस भी दिख जाएगा, एनहेंसमेंट भी दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है और सारी रिपोर्ट आपको दिख जाएगा, परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पे जो है सारा परफॉर्मेंस दिख जाएगा कि आपका 3 मंथ में कितना है, आपसे 1 ईयर कितना भी यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो, ठीक है, एक्सटेंड कर सकते हो जितना भी करना चाहो। देन इसके बाद अभी आपको फुल रिपोर्ट यहाँ से मिल जाएगी। देन URL इंस्पेक्शन जो आपका होता है इस पर यह क्या करना है कि अगर आप डायरेक्ट किसी मैनुअल तरीके से अपने किसी पर्टिकुलर ब्लॉग के पोस्ट को जो है यहाँ पे इंडेक्स कराना चाहते हो तो सिंपल आपको क्या करना है, इसके URL को कॉपी करना है, यहाँ से URL को कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आना है और इसे यहाँ पे जो है कॉपी करके आपको जो है नेक्स्ट कर देना है, ठीक है, तो ये मैनुअल भी हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे देख रहे हो आगे आपको पेजेस दिख जाएंगे, तो यहाँ पे पेजेस पे आपको दिख जाएगा कि आपके कितने पेजेस यहाँ पे इंडेक्स हुए हैं, कितने नहीं हुए, वो चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। रिमूवल क्या होता है कि अगर आप अपने किसी पोस्ट को कुछ टाइम के लिए यहाँ पे जो है इंडेक्स से हटाना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करके URL कॉपी करके आप इजीली से वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद पेज एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पेज में क्या क्या दिक्कत आ रही है। देखो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे फेलिंग, यहाँ पे फॉलिंग URL, ठीक है, यहाँ पे गुड मोबाइल यूजेबिलिटी सही है, लेकिन यहाँ पे जो है कोर वेब विटल जो है वो मेरा पुअर जा रहा है, पुअर URL। अभी यहाँ पे आप देखोगे गुड इतना है, 10 पुअर है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ओपन रिपोर्ट में आपको फुल डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखो URL जो है यहाँ पे LCP इश्यूज जो लॉन्गर देन 4 सेकेंड्स मोबाइल, ठीक है, ये जो आपका स्टार्टेड मैंने कर दिया है कुछ टाइम बाद ये भी फिक्स होने वाला है, मैंने आज ही से स्टार्ट किया है, इसको भी जो है आपका ऑप्टिमाइज हो जाएगा, इंडेक्सिंग हो जाएगा, क्योंकि ये देखो आपका ब्लॉग से गूगल सर्च कंसोल से आपको जैसे ही अपने इसमें लिंक करोगे अपने ब्लॉग को तो वो ऑटोमेटिक ही आपको डिटेक्ट करके बता देगा आपके मेल के थ्रू कि ये चीज़ में इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको सेपरेट से URL वाले मैसेज को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आप अपने डोमेन से ही करो, वो काफ़ी ईजी रहता है। तो होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी या क्वेश्चन रह गया है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या इंस्टा पे सीधे DM कर सकते हो, मैं पूरा रिप्लाई करने की आपकी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।